जमाने की तरफदारी में कुछ होश तो खो दे, जमाने की तरफदारी में कुछ होश तो खो दे, खो दे, बुला दे बंजा पागल, जमाने की तरफदारी में। ये दुनियादारी का जो पक्ष लेना है और दुनियादारी के पक्ष में तेरा जो होश है अगर, तो खो दे उस होश को, बेहोश हो जा। मतलब दुनिया में जो कुछ चल रहा है ना, जमीन पर रेंगते हुए कीड़े मकोड़े की तरह आदमी जी रहा है, उसे रस आ रहा है गंदगी में। अलग अलग प्रकार की ये गंदगियां होती है, सुंदर रूप भी लेकर वो गंदगी आती है। तो जमाने की तरफदारी में है कुछ होश तो खो दे। ये दुनियादारी के पक्ष में तेरा कोई होश रह गया हो, रस रह गया हो, तो उसे खो दे, निरस हो जा, निरस हो जा, फना हो जा सनम के वास्ते, फना हो जा सनम के वास्ते, इश्के परस्ते में। ये साधु संतों में बड़ी प्यारी बात है। अखाड़े होते अलग अलग हैं, एक परंपरा है और बहुत प्यारी परंपरा है, उसे समझने की कोशिश करें तो। हाँ, कहीं कहीं कभी फिर दम्भा आडंबर आ जाता है, ये बात अलग है, लेकिन परंपरा बड़ी प्यारी है। उसमें पांच साधुओं के बीच में किसी को संन्यास दिया जाता है, ऐसे नहीं दिया जाता, चुपचाप नहीं दिया जाता, पंच की हाजिरी में। मतलब कि तू जो कर रहा है, तू त्याग के मार्ग पर जो जा रहा है, तू आत्मकल्याण के रास्ते पर जा रहा है, तू आध्यात्मिक पथ पर अग्रेसर हो रहा है, तो पंच के सामने तुझे सजगता रहे कि हाँ, अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि सबके सामने कमिटमेंट होता है, कमिटमेंट बड़ी प्यारी बात है, ये लोग परंपरा मानते हैं, लेकिन ये पूरी ह्यूमन साइकोलॉजी को अध्यात्म की और डाइवर्ट करने की पद्धतियां है, मेरी समझ के हिसाब से। फिर क्या होता है, संन्यास तो दे दिया, फिर क्या होता है, पिंडदान की प्रक्रिया होती है। आप कहेंगे ये क्या, हाँ, जो साधु बनता है, स्वामी जी सुनना शैलेश्वर, जो साधु बनता है, संन्यास जिसने ग्रहण किया, उसके पास पिंडदान करवाते हैं। किसका पिंडदान, जितने भी पूर्वाश्रम के लोग जीते हैं, उसके माँ बाप भाई बहन जितने भी उसके निकट के रिश्ते वाले हैं, उन सबका पिंडदान। आप कहेंगे कि पिंडदान तो मरने के बाद होता है, ये तो मजा है, जो जिंदा ही मर जाता है। मैंने लिखा है एक जगह पर, जो जिंदा ही मर जाता है वो नाम अमर कर जाता है, जो जिंदा ही मर जाता है वो नाम अमर कर जाता है। ये बात नहीं कोई आसान, यह बात नहीं कोई आसान, तुम चाहो तो हमारे साथ चलो, ये बात नहीं कोई आसान, तुम चाहो तो हमारे साथ चलो, ये कोई आसान बात नहीं होती। जीते जी पिंडदान करवाते हैं कि आज से सब गए, इसका मतलब अतीत भस्मीभूत हो गया, पास्ट में जो कुछ भी था, कोई रिलेशन, प्यार, नाता, रिश्ता, जिम्मेदारियां, सब आज से मर चुके, सब खत्म,
और मैं अब एक नई दिशा में हूँ, नए विश्व में हूँ, नई दुनिया में मेरा पदार्पण हुआ है और मुझे साधना में विकसित होना है। जमाने की तरफदारी में है, कुछ होश तो खो दे, थोड़ा भी होश हो अगर जमाने की तरफदारी में, उसे खो देना है। अब पिंडदान हो गया सबका, सब गए, अब तू आत्मकल्याण कर तो ही विश्व कल्याण का कार्य तुझसे हो पाएगा। आत्मकल्याण जो नहीं कर सकता वो विश्व कल्याण खाक कर पाएगा। तो दोस्तों, फना हो जा सनम के वास्ते, उस सनम के वास्ते तू फना हो जा, खत्म हो जा, तेरे अहंकार को खत्म कर दे, तेरे मन को मार दे। मन को तूने नहीं मारा तो मन तुझको मार देगा, ये 100% पक्का है। इसलिए तेरे मन को मार दे, फना हो जा, फना हो जाना है। फना हो जा सनम के वास्ते, इश्क के परस्ते में परमात्मा के साथ ऐसे गहन प्रेम में तू जुड़ जा कि तेरा सब कुछ फना हो जाए, फिर भी कोई गिला शिकवा नहीं, कोई अफसोस नहीं, कोई दुख नहीं, कोई रंज नहीं। फना हो जा सनम के वास्ते, इश्के परस्ती में। अतीत को खत्म करना है तब तो वर्तमान में जी पाओगे, और पता है, सबको पता है इस बात का, ये बात मैं भूल नहीं पाता हूँ, बार बार मेरे दिमाग में आती है, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा मुझे। 5-5, 10-10 साल तक वो कीड़ा दिमाग में जो घुस गया है वो खा रहा है उसे, उसको दिखा देना है। अरे किसी को कुछ नहीं दिखाना है मेरे भाई, तू फना हो जा। भूली हुई यादें, बड़ा प्यारा गीत है मुकेश जी का गाया हुआ। भूली हुई यादें मुझे इतना न सताओ, अब चैन से रहने दो, मेरे पास ना आओ। भूली हुई यादें, भूली हुई यादें मुझे इतना न सताओ। अतीत बहुत सताता है, उसका नाम ही भूत है, भूत पीछे पड़ता है, और आदमी की जो हालत होती है बस ऐसी स्थिति है, अतीत को पकड़ कर जो बैठा है। तो भूली हुई यादें मुझे इतना न सताओ, अब चैन से रहने दो, अब तो मैं थक गया हूँ, अब तो चैन से रहने दो, आराम से रहने दो, मेरे पास ना आओ। बस बंदगी करनी है तो इतनी ही करो कि मेरे पास ना आओ। पिंडदान हो गया सबका, मैं कहती हूँ कि सन्यास में जब उतरो तब जो सगे संबंधी है उसका तो पिंडदान कर देना है जीते जी, परंतु जितनी भी आप मानते हो कि अच्छी घटना और बुरी घटना, उन सब को भी दफना देना है, उन सब का भी पिंडदान। क्योंकि कभी कभी सुंदर घटनाएं भी घटती है जीवन में, वो हमको ललचाती है वापस लौटने के लिए संसार में। और फिर वो बंधन हो सकती है, इसलिए मैं कहती हूँ कि जो कुछ भी है, सही गलत सब कुछ भस्मीभूत,